मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। आज से 10 दिन तक हरीश रावत रहेंगे क्वारंटीन। समर्थकों से हरीश रावत ने अपील की है कि उनसे मिलने ना आए। हरीश ने समर्थकों से मोबाइल से संपर्क में रहने की बात कही है। पिछले कुछ दिनों से हरीश सार्वजनिक कार्यक्रमों में सक्रिय थे। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए हरीश रावत ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। आज से 10 दिन तक हरीश रावत रहेंगे क्वारंटीन। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ फोनलाइन पे बने हुए हैं। पंकज जी, हरीश रावत ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है, पर सवाल तो यही खड़ा होगा कि पिछले कुछ दिनों से हरीश रावत सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय थे, ये तो मानने वाली बात है, लगातार वो नजर आए, पर जब से कोरोना का काल चल रहा है लगातार वो सक्रिय रहे हैं, लगातार वो लाइमलाइट में बने रहे हैं, राजनीति करते हुए नजर आए, विपक्ष को करारा जवाब देते नजर आए, ऐसे में अचानक से क्वारंटीन अपने आप को कर लेना एक सवाल खड़ा कर रहा है। पंकज पूजा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हरीश रावत उन नेताओं में से हैं जो शायद ही घर बैठते हों। पहली बार नहीं, ये दूसरी बार हो चुका है कि हरीश रावत अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन कर रहे हो। इससे पहले भी एक बार उन्होंने अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन के उसमें रखा था, और अभी उन्होंने जो फेसबुक के माध्यम से जानकारी अपने तमाम समर्थकों को दी है, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में वो जिन कार्यक्रमों में गए उसमें कुछ संदिग्ध भी थे, जो कोरोना के संदिग्ध माने जा सकते हैं, या फिर बड़ी संख्या में बड़ी भीड़ में वो गए हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि जो उनसे मिलने वाले हैं उनको किसी तरीके की ऐसी परेशानी हो, किसी तरीके का उनको कोरोना का संक्रमण उनकी वजह से हो। तो ऐसे में वो सेल्फ क्वारंटीन हो गए हैं, और सेल्फ क्वारंटीन होने के बाद आने वाले 10 दिनों तक, यानी आज 24 के बाद लगभग 4 तारीख तक वो इसी तरीके के सेल्फ क्वारंटीन में रहेंगे, और वो किसी से नहीं, सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। तो कुल मिलाकर उनकी कोशिश यही है कि उनके जो समर्थक हैं आने वाले मिलने वाले हैं वो उनसे ना मिलें इस दौरान, क्योंकि अगर उनको अगर किसी तरीके का संक्रमण हुआ तो फिर दूसरों में ना फैले। जी बिल्कुल पंकज जी, ऐसे में अच्छी बात है कि वो खुद आगे बढ़ के अपने विधायकों को ये मैसेज दे रहे हैं कि उनसे कोई मिले ना। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।